तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि वो कंडीशन निकालिए जिसमें कि दी हुई इक्वेशन यानी कि 1 + m² का ब्रैकेट x² + 2 cmx + c² - a² = 0। ये इक्वेशन जो है इसके जो दोनों रूट हैं वो आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होंगे, है ना। जैसे कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 1/α होगा, ठीक। इस तरह से है। अब समीकरण हमारी क्या है, समीकरण जो है वो 1 + m² और ये आपका है square + 2 cmx और + c² - a² ये ब्रैकेट के अंदर है और = 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखें कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 + m² और b क्या हो जाएगा, b आपका हो जाएगा 2 cm और c आपका हो जाएगा, ये कैपिटल ले सकते हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा c² - a² ठीक। अब अगर हम इनके मूलों का गुणनफल निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/α ठीक इज इक्वल टू, अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब c की वैल्यू क्या है, c² - a² और a क्या है, 1 + m², तो ये हो जाएगा c² - a² / 1 + m². अब यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। जब यहाँ से 1 बचेगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 + m² इज इक्वल टू c² - a² अब आप देख लीजिए कि आपके जो ऑप्शंस हैं उसमें कौन सी कंडीशन इसको लाया करती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो इसको लाया करता है, इसका मतलब हमारी ये कंडीशन जो है वो आ गई है, ठीक। PGT 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए।